हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। मैंने अभी हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय वयोश्री योजना एंड एडीआईपी स्कीम के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो असिस्टिव एड्स एंड डिवाइस टू द सीनियर सिटीजन्स एंड डिजेबल पर्सन को। ये जो मेगा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कहाँ पे होगा ना, प्रयागराज से हो रहा है। ओके, सो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में हम देखेंगे। तो ये एक स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है फिजिकल एड्स एंड असिस्ट करता है लिविंग डिवाइस को, किसको ना, सीनियर सिटीजन्स को, जो कि मेन इंपॉर्टेंट इसमें थिंग जो है ये बीपीएल कैटेगरी के लिए ही मिलता है। ओके, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम देता है जो कि फुल्ली फंडेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर जो होता है एंड फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ द स्कीम जो है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड से होता है। सो ये स्कीम के बारे में और देखेंगे। स्कीम को इम्प्लीमेंटेड क्या किया गया है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ना, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो कि ALIMCO बोलते हैं। एक ये एक क्या है ना, एक PSU है। ये कौन सा मिनिस्टर के अंडर आता है ना, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। अंडर द स्कीम हम देखेंगे इसमें क्या है ना, फिजिकल आर्ट्स जो है ये प्रोवाइड किया जाता है जो सीनियर सिटीजन्स को। ओके, ओनली टू द सीनियर सिटीजन्स ऑफ द नेशन को। सो और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, जो कि एज होगा उनका एबव द 60 ईयर्स, सो उन्हीं को मिलेगा फ्री असिस्टेंस लिविंग एड्स एंड फिजिकल डिवाइस। ओके, सो मेन क्राइटेरिया ऑफ सीनियर सिटीजन को देने का ये है, क्योंकि ये आए ना बेनिफिट से होगा राष्ट्रीय जो वयोश्री योजना, इस स्कीम के तहत इनको क्या है ना, सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। सो ये एक बीपीएल फैमिली से होना चाहिए, जो बीपीएल कार्ड जो है ये कंसर्न अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। सो इस स्कीम के अंडर में बहुत सारा लिविंग डिवाइस मिलता है, सच कौन सा है, नवाल की स्टिक है, एल्बो क्रचेस है, वॉकर से क्रचेस है, ट्राइपॉड क्वाड फोर्स। सो व्हील चेयर से, आर्टिफिशियल डेंचर है, स्पेक्टिकल से, सो ये सब क्या है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा जो बेनिफिशियरी है सिटीजन। ओके, सो दूसरा जो स्कीम था हमारा ADIP था, मीन्स असिस्टेंस टू डिजेबल पर्सन फॉर द परचेजिंग। सो इसके तहत क्या है, जो डिजेबल पर्सन है, ओके, सो उनको क्या है, उनका जो ड्यूरेबल सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स एप्लीकेंस दिया जाएगा, जो कि क्या है ना, ये असिस्ट करेगा फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करेगा एंड रिड्यूस करेगा इफेक्ट डिजेबल एंड एनहांस देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑल्सो। सो ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंटेड हो रहा है बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है ना, NGOs, नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग जो कॉर्पोरेशन ALIM को। सो एलिजिबिलिटी किसको मिलेगा ये, सो जो क्या है डिजेबल पर्सन है, सो उसी को भी मिलेगा असिस्टेड अंडर द ADIP स्कीम थ्रू द ऑथराइज एजेंसी। उसके लिए क्या है ना, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कोई भी एज है वो डिजेबल होगा तो उसको मिलेगा, बेनिफिशियरी होगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, उसका जो है 40% डिजेबलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बाद, बाय द कंसर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए ये। सो और एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है, पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और गेटिंग पेंशन है, उसका जो है मंथली जो है 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ डिपेंडेंट जो है, उसका भी जो गार्डियन है उसका नॉट मोर देन 20,000 होना चाहिए पर मंथ। ओके, पर्सन हु हैव नॉट रिसीव एनी असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट लोकल बॉडीज NGOs जो कि लास्ट 3 ईयर्स है, सो उसको ये मिल सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।